Now gold is not in her. She's a diamond. हेलो गाइस, प्रदीप शर्मा है एंड वेलकम टू BBLL विज्ञान। आज हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं कौन? मेहुल जैन। ठीक है जी, आज जो हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं CPC का, जो कि है मीन प्रॉफिट। अब इसको आप मेसने प्रॉफिट मत बोलना, हालांकि इसकी स्पेलिंग जो है MESNE ही है। अगर आपको स्पेलिंग याद करनी है तो मेसने बोल दो, लेकिन अगर किसी के सामने बोलोगे तो आप मीन प्रॉफिट ही आपको बोलना है। ठीक है, चलो जी स्टार्टिंग करते हैं मेहुल। तो बेसिकली ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ CPC 1908। ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी खोल लीजिए एक पेन के साथ। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 12 है जी CPC का। तो ये कहता क्या है, पहले इसको इनकी लैंग्वेज में सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। व्हेन अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्स और माइट रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी इफ ही शी डोर सम एफर्ट्स। या तो देखो जी, इसी डेफिनेशन में से आप किसी करेक्टरिस्टिक्स भी लगा सकते हो। अगर आपको बड़ा आंसर करना है अपना जबरदस्ती, तो इसी डेफिनेशन में करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालोगे? देखो, पहले इसने कहा है रॉन्गफुल पोजेशन, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक हो गया जी। दूसरा हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमेशा मीन प्रॉफिट इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ मिलता है। ठीक है जी, माइट रिसीव और रिसीव्ड, अगर मिल गया है या फिर मिल सकता है क्या प्रॉफिट उस रॉन्गफुल पोजेशन जो उसने करी है प्रॉपर्टी की, उसमें से। अब माइट और रिसीव में क्या डिफरेंस हुआ? माइट रिसीव और रिसीव के अंदर, रिसीव में ये हुआ कि जी उसको प्रॉफिट मिल गया है, माइट रिसीव में हुआ कि यार उसके पास प्रॉपर्टी तो थी, वो कमा सकता था लेकिन उसने कमाई नहीं। ठीक है जी, और इफ़ शी डोर सम एफर्ट्स, तो वही चीज़ है, अगर कोई कुछ एफर्ट्स करता कि अगर मैंने अगर किसी की दुकान पर कब्जा कर लिया है, मैं उसको खाली पड़े रहने दे रहा हूँ, तो वो मेरी गलती है कि मैं उसको दुकान को यूज़ नहीं कर रहा। दूसरी पार्टी जो ओनर है वो मीन प्रॉफिट लेगा, वो उसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो अब इसको हम समझते हैं, अभी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। तो ये हो गई जी जनरल डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जी पहला कह रहा है कि अगर मैंने अपना एक घर जो है, मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने घर जो है रेंट पर दे दिया किसको, मेहुल को। ठीक है जी, मेहुल को हमने एक साल के लिए हमारा अग्रीमेंट था कि हम आपको रेंट पे घर दे देते हैं। ये मजे से रह रहा है और वो एक साल का पीरियड ओवर हो चुका है। मैंने कहा जी निकल जाओ, ये चौड़ा हो गया। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं नहीं आ रहा, मैं जो करना कर ले, मैं नहीं निकलूंगा। मैंने एक नोटिस भी भेज दिया। उसके बाद भी जो है ये 6 महीने तक जो है मेरे घर को कब्जे में रखा रखा इसने। मैं जी गया कोर्ट में, मैंने कहा जज साहब अब देखो जी, एक साल का तो हमारा था, इसको मैंने नोटिस भी भेजा, ये अभी भी नहीं निकल रहा, 6 महीने और रह रहा। जज साहब मैं उस 6 महीने में क्यों ना अपने घर को दुकान में कन्वर्ट करके कुछ प्रॉफिट कमा लेता, या मैं उस घर को किसी और बंदे को देके उससे जहाँ मुझे हाँ बेटर रेट मिल रहा है उसको दे देता। मैं 10 चीज़ें कर सकता था। तो मुझे जो है उस 6 महीने के पीरियड का जो मुझे नुकसान हुआ है, जो मैं उस प्रॉपर्टी का कर सकता था, उसका एक जनरल एक निकाल लिया जाएगा कि भाई हाँ तुम्हारे को इतने कुछ का नुकसान हुआ है, तो वो जो है मेहुल मुझे देगा। ये होता है मीन प्रॉफिट प्लस 6% इंटरेस्ट के साथ। उसका भी मैं बताता हूँ 6% इंटरेस्ट का क्या सीन है। तो पहले आप समझते हैं, ये तो हमने एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मीन प्रॉफिट होता क्या है। बेसिकली कोई चीज़ किसी के पास है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में है रॉन्गफुल, और मैं जो है उसको यूज़ करके कुछ कमा सकता था लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तो उसका नुकसान मुझे वो बंदा देगा जिसके पास मेरी प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं मीन प्रॉफिट के क्या है। पहला है जी, हमेशा मीन प्रॉफिट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगेंस्ट मिलता है जी। ठीक है जी, दूसरी चीज कह रहे हैं कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डैमेजेस अकर्ड ड्यू टू दी रॉन्गफुल पोजेशन फ्रॉम दैट पर्सन। मैंने कहा अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली ना, आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। क्या कह रहा है, डैमेजेस मिल जाएं, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी में को 6 महीने का नुकसान था, ये जो है डैमेजेस दे दो। सिविल CPC क्या है, सिविल केसेस के अंदर होता है। सिविल केसेस में क्या होता है, लायबिलिटी और राइट्स ही तो बनते हैं, डैमेजेस ये तो दिए जाते हैं। तीसरी चीज कह रहे हैं, इट इज़ दी कंपनसेशन पेड टू दी रियल ओनर। वही चीज़ है, घुमा फिरा के आपको आंसर को बड़ा करना है बस। ठीक है, सो कोर्ट विल पास अ डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट। हाँ, अब इस केस में कोर्ट जो है डिक्री पास कर देती है फॉर मीन प्रॉफिट के, भी तुम्हारा इतना इतना मोटे मोटे तौर पर बनता है, दे दो जी इसको। अब कुछ केसेस देख लेते हैं मीन प्रॉफिट के क्या क्या हो सकते हैं, किस किस केस में आप मीन प्रॉफिट डिमांड कर सकते हो। ट्रेसपासर के केस में, अगर आपके घर में कोई घुस आया, मॉर्टगेज के केस में, रेंट वगैरह पे दे दिया, इफ 5% रिमूव्स यू फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, देन यू कैन फाइल अगेंस्ट
ऑल दोज 5%. यहाँ का क्या मतलब कहना चाह रहा है कि बाई चांस देखो, और मैंने यहाँ कहा है कि किसी के रॉन्गफुल पोजेशन में होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और जिस टाइम तक वो रही है उसका मुझे दिया जाएगा. लेकिन यहाँ पर एक और केस है जिसके अंदर ही किया जा सकता है, वो ये है कि अगर आपको गलत तरीके से कोई झुंड में आकर लोगों का 5, 6, 10, 15 आपके घर से आप ही को धक्का मार के निकाल दिया फॉर एनी सो रीज़न, ठीक है जी, तो आप उन पाँचों के अगेंस्ट भी केस कर सकते हो और डिग्री पास करा सकते हो मीन प्रॉपर्टी की, तुमने मुझे इतने दिन तक मेरे घर से अलग रखा, तुम जो है होटल मेरा कहाँ रहा, सारे मेरे खर्चे दो, मेरे एक्सपेंडिचर दो मेरे सारा, ठीक है जी. तो जी ये हो गया जी, पांचों के खिलाफ आप कर सकते हो, 5 या 10 कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल था ये. एक बार देख लेते मीन प्रॉफिट का इंटरेस्ट जो मेहुल ने कहा था 6% का, वो क्या सीन है उसमें. सीन ये है कि कोर्ट जो है जब वो मीन प्रॉफिट की डिग्री पास करती है ना, तो उसमें जो है वो मैक्सिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगा सकती है. 6% मैक्सिमम बोला मैंने, मिनिमम 1, 0.5, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, 6 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा 7 नहीं लगा पाएगी. है ही नहीं, कोर्ट के पास ही पावर है, ठीक है जी. अगर 100 रुपए बने तो 6% तक मैक्सिमम मेरा कोर्ट लगा सकती है, 6 रुपए हो गए. बट अकॉर्डिंग टू लॉ द अप्लाइड इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 6% पर एनम, ठीक है जी. अब इसके बाद ये कह रहा है कुछ डिडक्शंस करी जाती है मीन प्रॉफिट जब निकाला जाता है, जब डिक्री पास करी जाती है तो कुछ डिडक्शंस करी जाते हैं. वो कहेंगे डिडक्शन क्या होता है, किस बात की भाई, उसने तो मेरी प्रॉपर्टी बेकार में रखी है, मेरे को नुकसान हुआ है, तो डिडक्शन उसको क्यों बेनिफिट. डिडक्शन का मतलब ये होगा कि जिसने रॉन्गफुल पोजेस करा है प्रॉपर्टी को उसको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा. अब मैं इसकी प्रॉपर्टी पे कैप्चर करके बैठा था 6 महीने फालतू के, तो अब मैं बिजली पानी ये सारे बिल तो पे कर ही रहूंगा ना, वो ये बंदा पे कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ. तो बिजली पानी के बिल जो है माइनस कर दिए जाएंगे उसमें से. ये नहीं कि मैं बोल दूंगा कि जी 1000 रुपए का बिल आया तो मुझे 1000 बिल, या फिर चलो एक बार को मेरा जैसे फिक्स्ड बिल भी आता है कि 500 रुपए तुम्हारी प्रॉपर्टी का फिक्स्ड बिल आएगा, तुम्हारे इतने किलोवाट का सेंक्शन है तो उसमें 500 रुपए आएगा, 500 रुपए ये भर रहा है मैं थोड़ी भर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा जी मुझे 500 भी दे दो, तो फिक्स्ड थे वो तो सबको देने. वही चीज़ है, सो कोर्ट में अलाउ डिडक्शंस टू बी मेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द डिफेंडेंट. जो भी प्रॉफिट निकालेगा उसमें से डिडक्शन जो है जिसको डिफेंडेंट है उसके लिए कर दी जाएंगी. तो डिफेंडेंट मे बी गिवन अ हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा, वही जो मैंने एग्जांपल दी. तो दीज ऑल आर रिमूव्ड. तो ये था जी आपका मीन प्रॉफिट का टॉपिक पूरा, ठीक है जो. अगर हम फटाफट से एक रिवीजन कर लें, कुछ नहीं है मीन प्रॉफिट, कुछ नहीं होता. किसी के पास गलत पोजेशन है, मतलब रॉन्गफुल पोजेशन है मेरी प्रॉपर्टी की, और जितने टाइम तक उसने रखी है गलत, उसमें जो मुझे नुकसान हुआ है वो मुझे भरपाई करी जाएगी. अनलॉफुल तरीके उसने प्रॉपर्टी कैप्चर कर रखी है, और ये याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता ही है, ठीक है जी. और इसमें कुछ डिडक्शंस करे जा सकते हैं कि जो जो उसने करा है वो डिडक्शन हो जाएंगे, मैक्सिमम 6% का इंटरेस्ट रेट. ये 2-3 पॉइंट आप याद कर लो, आपका मीन प्रॉफिट पूरा हो गया. और ये वैसे भी अगर सब सेक्शन 12 है ये जी, ठीक है जी. और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आ भी का 12:30 में, तो जो हमने आपको बताया इसको एक नोट्स बना लो, और आपको इलस्ट्रेशंस देनी है, ए बी ने प्रॉपर्टीज रेंट पे दी, ये करा वो करा, इसमें केस लॉ दिखा. मैं आंसर कोई मिलेगा तो आपको फ्यूचर वीडियो में दिखा देंगे, बता देंगे आपको, ठीक है जी. तो हो गया हमारा मीन प्रॉफिट का टॉपिक. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बी एल ली ज्ञान.